गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। कई दिनों बाद आज मुलाकात हो रही है। आज हम सिंप्लीफिकेशन पे चर्चा करेंगे और एप्लीकेशन वाले जो भी बच्चे हैं वो कमेंट करें। आप लोगों के पास भी नोटिफिकेशन जा चुका है सभी के पास, लेकिन एप्लीकेशन में कोई किसी की चैट नहीं पढ़ पाएगा, खुद अपनी अपनी पढ़ पाएगा। आप लोगों को भी नोटिफिकेशन भेज दिया गया है। आशीष यादव गुड मॉर्निंग। एक बार जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए। सुनील जे स्टार, आपका नाम सुनील मिली है या कुछ और है बता दीजिए। एक बार वीडियो को शेयर करो फटाफट, जल्दी से जल्दी और बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बाद हम आज एक अच्छे सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। और ये क्लास मेरी स्टडी एक्सप्रेस ऐप पे भी चल रही है और यूट्यूब पे भी चल रही है, लेकिन जो यूट्यूब वाले स्टूडेंट हैं वो सिंप्लीफिकेशन को आज आज ही पढ़ पाएंगे। कंप्लीट टॉपिक ऐप पे ही पढ़ाया जाएगा, तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। तरुण कुमार हाय हेलो। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं सिंप्लीफिकेशन की। लिखिए आप लोग सिंप्लीफिकेशन। सरलीकरण बच्चों का बड़े दिनों से डिमांड थी कि सर सरलीकरण कराया जाए, तो आज सरलीकरण को हम शुरू करते हैं और एक सेशन की शुरुआत करते हैं। तो माय डियर देखो, सिंप्लीफिकेशन में क्या होगा और कैसे कैसे आपको चीजों को करना है, ये सारी चीज हम पढ़ेंगे। चलो डियर करते हैं एक सेशन की शुरुआत। देखो सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले ना अपन टॉपिक उठा रहे हैं बार वाला, जो बार पे क्वेश्चन नहीं आते थे उस पे। और बच्चे कई बार आप लोग कंफ्यूज भी रहे हो कि बार के अंदर जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो आप पूछते हो बार बार, सर ये बार वाले के अंदर ये एक्स कैसे आ गया, एक्सप्लेन करो इसको कंप्लीट। क्लास में भी मैंने टॉपिक को बड़े अच्छे तरीके से कराया है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन में मतलब कुछ टीचर्स भी मात खाए हुए होते हैं कि कंप्लीट वैल्यू को कैसे आपको डिफाइन करना है। तो ये बड़ा आसान टॉपिक है वैसे, और आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है इसके। मैं कुछ बेसिक टर्म्स आप लोगों को बताऊंगा, उन्हीं के बिहाफ पे आप कर पाएंगे। देखिए जैसे मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, मैं पहले बार सरलीकरण में बार पे टॉपिक उठा रहे हैं, 5-7 क्लास लेंगे। रनीश यादव गुड मॉर्निंग माई डियर। चलिए जैसे बच्चे मैंने एक बार बोली आपसे, जैसे 0.5 पे बार आपने ऐसे क्वेश्चन देखा हुआ है। देखो इसको सिंप्लीफाई करने का इसका विद प्रूफ दूंगा मैं आप लोगों को। नंबर एक देखो, इसके हमने 0.5 बार, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.555। बार का मतलब होगा ये नंबर रिपीटेशन, रिपीटेशन नंबर, जो रिपीटेशन नंबर होगा वो बार कहलाता है अपना। मेरी बात समझ पाए, हम इसको रियल में एक्सप्लेन और हम इसको कैसे लिख सकते हैं। बच्चे 0.5 पे बार को 0.55 लिख सकते हैं और हम लिख सकते हैं इसको 5/9। अब 5/9 करोगे ना तो आप इसको ओपन करके देखोगे तो देखना ये क्या लिखा आएगा, ना जाने की 0, 9/5 45, 9/5 45, ये चलता जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे। मेरी बात समझ पाए, तो आप लोग क्या समझ पाए माई डियर। बिल्कुल तरुण कुमार कह रहा है सर 5/9 लिख सकते हैं, बिल्कुल तरुण कुमार 5/9 इसको लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम इसका प्रूफ देंगे कि 0.5 बार को 5/9 हम क्यों लिख सकते हैं। देखिए जैसे मैं इसको मानता हूं, इसका बेसिक बता रहा हूं, इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, मैं x को इक्वल टू लिख रहा हूं 0.5 पे बार का मतलब 5 5 5, और ऐसे ये चलता गया। यदि बच्चे मैं इसको गुणा कर देता हूं इधर 10 से तो ये कितना हो गया 10x। अब 10 से इधर भी गुणा होगा, इधर भी होगा, अगर इधर हमने 10 से इसको हमने गुणा करेंगे हम, तो डेफिनेटली ये पता है कि एक अंक का डेसिमल इधर सरक के आ जाएगा। और ये क्लास, ये बातें हमने छोटी क्लास में मैडम ने हमसे पढ़ाई थी, वो गलती हम लोगों की रहेगी जो हम लोग नहीं पढ़ें। ओ मेरी बात समझ पाए, ओ हाँ या ना, ओ बच्चे वीडियो को शेयर करें। बच्चे आज भी बहुत कम है क्योंकि आज तो यूट्यूब पर चला रखी है क्लास। चलिए तो ये आएगा 5.555 एज शोन, ऐसे चलता है। अब हमने देखा कि ये इक्वेशन हम फर्स्ट मानते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं। ध्यान से देखना,
प्यारे बच्चों, अब मैंने 10 से गुणा किया, इधर इधर हो गया 10 है, कि सर 10 से गुणा करेंगे तो डेसिमल एक अंक पीछे सरक जाएगा और एक अंक आगे चला जाएगा। अगर 100 से करता तो 2 अंक। इसमें 5-5 रिपीटेशन था, इस वजह से मैंने इसको ले लिया। मेरी बात समझ पाए? अरे हाँ या ना, समझ पाए होंगे। अब आप देखो, ये दो इक्वेशन आ गई अपने पास। इस सेकंड वाली इक्वेशन में से हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को घटाएंगे, सेकंड में से 10x में से ये x जाएगा तो कितना बचेगा 9x, और इसमें से ये जाएगा तो ये और ये तो कट ही जाएंगे आपस में, ये तो माइनस हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा 5, और x का मान आएगा 5/9। तो ये प्यारे बच्चों यहां से आया 5/9। मेरी बात समझ पाए कि अरे बच्चों हाँ या ना बताइए। पूजा नहीं है क्लास में, और एक बार बच्चे एप्लीकेशन वाले बच्चों का कमेंट्स और देख लेते हैं। चलिए ठीक है, कोई नहीं, क्लियर। कंपटीशन हटा है, सही कह रहा है, ये 9th क्लास में आता है, बिल्कुल 9th क्लास में 100% आता है ये, इसमें नो डाउट। चलिए हम आगे करते हैं बच्चे, नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं। देखिए सीखते जाएंगे आप चीजों को धीरे धीरे, बड़ा जबरदस्त तरीके से सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया जाएगा। आप कोई भी एग्जाम देंगे, क्वेश्चन आपको इसके अंदर से मिलेगा, और बार को भी ऐसा पढ़ा देंगे, अच्छे तरीके से बार को एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगर एग्जाम में हमारे पास ऐसे आ गया 0.83333, ऐसे चलते हुए, क्लियर। अब हमें इसका रियल में जो मैं एक्सप्लेनेशन जो आंसर दूंगा, वो रियल में इसका सुदरूप क्या है। अगर हम बात करें कि भाई ऐसे चलता गया, मैं इसको लिखना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं 0.83 पे बार। देखो 8 रिपीट नहीं हो रहा, 8 तो वन टाइम्स आया, 3 3 3 3 चलते रहे, तो ये 0.8 और 3 पे बार, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं आप इनको, उस चीज का मैं प्रूफ दूंगा आप लोगों को। वैसे कैसे लिख सकते हैं आप इसको, ऐसे लिख सकते हो, पहले कंप्लीट 83 लिखोगे, कंप्लीट 83 लिखोगे, पहले क्या लिखोगे कंप्लीट 83 जो लिखा है, जिस पे बार नहीं है उसको घटाओगे, जिस पे बार है उतने 9 लगाओगे, जितने पे बार नहीं है उतनी 0 लगाओगे। तो 83 में से अगर 8 हमारे जाएंगे तो हमारे बचे, मतलब सिंप्लीफिकेशन रूप हमारा ये आएगा। अगर वैसे भी आप सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो कितने आएंगे देख लीजिए, तो ये आएंगे 5, और यहाँ कितना आया 75/90, ये अपना आ रहा होगा रियल में। तो इस चीज का मैं प्रूफ देता हूं। हमें वैसे माइंड में हमेशा डायरेक्ट ये याद रखना है प्यारे बच्चों कि 83 3 पे बार दे रखा है, पहले कंप्लीट वैल्यू लिखोगे 83, जितने पे बार नहीं है उसको घटा दोगे, किस पे बार नहीं था 8 पे, 8 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, जितने पे बार था कितने पे बार था एक संख्या पे तो उतने 9, कितने पे बार नहीं था इस पे बार नहीं था उतनी 0। मेरी बात समझ पाए? अरे हाँ या ना, ओ हाँ या ना। एक स्टूडेंट ऐसा भी है जो वीडियो को देख रहा है, कॉमेंट नहीं कर रहा है, 2-3 बच्चे ऐसे भी हैं, कमेंट करो बच्चे आप एक बार, क्लास में मौजूद है तो हाँ या ना में तो उत्तर दे जरूर दें। मेरी बात समझ भाई? तो 75/19 इस चीज का हम प्रूफ देते हैं कि ये कहां से आया, आप इसको भी समझ लीजिए। इसके समझने के बाद आप बार को अच्छे तरीके से कर पाएंगे, और जो कोई भी वैल्यू आगे आगे आएगी हम उनको भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों मेरी बात समझ पा रहे हो? अरे हाँ या ना, बिल्कुल। चलिए अब आप देखते हैं, पहले इसको अगर हम 10 से गुणा, x के इक्वल मान लिया, हमने x के इक्वल मान लिया, अगर हम 10 से गुणा करते हैं तो इसको आएगा ये 10x, और एक डेसिमल इधर आ जाएगा 8.33। ये एक अंक डेसिमल के इधर, क्योंकि 10 से इधर भी गुणा हो रहा है इधर भी, तो ये ऐसे होगा। अगर इस वैल्यू को मैंने एक बार तो 10 से गुणा किया, अगर मैं इसको अब गुणा कर देता हूं 100 से, तो ये 100 हो गया, तो ये 100x होगा, और इसको 100 से गुणा करेंगे तो 2 अंक आगे उठ के फिर डेसिमल, 2 अंक उधर चला जाएगा। अंकित कुमार, राम राम भाई, पंकज यादव, यस यस, मनीषा यादव, गुड मॉर्निंग। चलिए 100x के अंदर क्या होगा, ये 83.3333, और ये ऐसे चलता जाएगा। मेरी बात समझ पाए? सबसे पहले मैंने x को इसको 10 से गुणा किया, तो 10x इधर भी करेंगे तो डेसिमल एक अंक उधर सरक जाएगा, 8 इधर आ जाएगा। अगर 100 से 2 0 लेंगे तो ये 2 अंक डेसिमल उधर सरक जाएगा, 83, और ये वैल्यू, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकेंड। मनीषा कैसे हो आप बताइए प्लीज। अब आप लोग एक बात सुनिए, एक बात सुन लीजिए बच्चे, दिल्ली पुलिस के एग्जाम से पहले हम अपनी स्टडी एक्सप्रेस ऐप पे सिलेबस खत्म कर देंगे, ये वादा है मेरा, ये वादा है, एक भी क्लास नहीं छोड़ेंगे एग्जाम से पहले, उस पर सारी चीजें हम खत्म कर देंगे, विद नोट्स वगैरह सब कुछ वहां मिलेगा। कल भी उसमें कुछ अपडेशन डाल दिया गया, वो इंप्रूव होती जाएगी, आप वहां क्लास लेते रहिए। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, इस सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे, सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को, 100x में से 10x गया तो कितना आएगा 90x, 100 में से 10x जाएगा तो कितना आएगा 90x। मेरी बात समझ पाए?
अरे हाँ या ना, अब इसमें से ये घटाएंगे तो हमें पता है कि ये वाला कॉमन पार्ट आ रहा, तो ये तो सब्ट्रैक्टिव होगा, बचा क्या, ये 83 माइनस 8, क्लियर। और x का मान हम निकालेंगे तो 83 माइनस 8 बटा 90, बच्चे 90 मल्टीप्लाई में था, इधर आ गया प्यारे बच्चों डिवाइड में, और 83 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 75 ही बचेंगे। अरे हाँ या ना, ओ बच्चों यस या नो, अगर हाँ है तो हाँ करें, ना है तो ना करें। संजय यादव, अच्छा संजय यादव आप एप्लीकेशन पे नहीं देख रहे, वहां भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये 75/90, क्लियर। तो आप लोगों ने क्या समझ में आया कि मैंने क्या किया, एक बार इसको 10 से किया तो 10x लिया, फिर मैंने इसको 100 से किया तो दो अंकों के बाद डेसिमल सरक जाएगा, और सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को घटाया तो हमारे पास ये आया, 83 में से 8 घटेगा, ये 100 में से 10 घटाएगा तो 90x की वैल्यू 83 माइनस 8 बटा 90, 75/90। मेरी बात समझ गए? तो आप लोगों को एग्जाम में इस चीज को डायरेक्ट करना है, जैसे हमने यहां पे इसको डायरेक्ट कर रखा है बच्चे कि 83 पे 3 पे बार आ गया, तो हमने क्या करना है, पहले कंप्लीट वैल्यू लिखना है 83, जितने पे बार नहीं है, 8 पे बार नहीं था तो उसको हमने घटा दिया, जितने पे बार है उतने पे 9, जितने पे बार नहीं है उतनी 0। मेरी बात समझ पाए पंकज यादव, मेरी बात समझ पाए हाँ या ना? अच्छा रिचा, रिचा ये सिस्टर है मेरी वैसे, रिचा अभी आपने थोड़ी देर पहले जो बात हुई थी, पंकज यादव के नाम से आपके फोन की आईडी है वैसे, कोई बात नहीं, चलिए। तो आप मेरी बात समझ पाए कि 75/90 कैसे आएगा, तो आप लोगों को जब भी कभी भी बार का जो क्वेश्चन आ रहा होगा तो उस पर उलझना नहीं है, कंपटीशन में बहुत बार बार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन टीचर ने डायरेक्ट पढ़ाया, आज मैंने इनको बता दिया है कि इसका जन्म क्यों हुआ, ये आपको याद नहीं रखना है, आपको वो याद रखना है, बाकी आप अपनी नोटबुक में ये दोनों चीजें उतार लें। और एक बार बताएं, ऐसा कोई भी स्टूडेंट जिसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो तो वो मेरे से अभी पूछ ले, ऐसा कोई भी बच्चा जिसके कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो अभी पूछ ले मेरे से, फिर हम क्वेश्चनों पे डिस्कस करेंगे। अच्छा संजय कुमार, एप्लीकेशन पर क्या पूछना चाह रहे हो बताइए। संजय कुमार एप्लीकेशन भी पर भी क्लास चल रही है, आप वहां भी देख रहे हो, चलिए। और जिस भी बच्चे ने स्टडी एक्सप्रेस एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर रखी है प्यारे बच्चों, जो कोई भी देख रहा है वो डाउनलोड कर लें स्टडी एक्सप्रेस ऐप को, आज मैं लेक्चर यहां ले रहा हूं यूट्यूब पे, कल नहीं लूंगा, कल 9 बजे जो मेरी क्लास होगी वो एप्लीकेशन पर ही होगी। संजय कुमार एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लो, दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके फोन में रिफ्रेश नहीं हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं अब हम, कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा, आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा देते हैं क्वेश्चन फर्स्ट क्या होगा, क्वेश्चन अगर बड़ा आ रहा है तो छोटा कर देते हैं इसको। दिखाई दे रहा है सभी को? अरे दिखाई दे रहा है सभी को, हाँ या ना बताएं? एक बार संजय यादव मैं चेक कर लेता हूं प्लीज, बच्चों एक बार आप क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, ये बच्चा एक बार कह रहा है तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, कभी ये ठीक तो नहीं कह रहा है, एक बार चेक कर रहा हूँ मैं। आप पंकज यादव क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए, करिए आप, और एक वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। हाँ पंकज यादव कह रहा है दिख रहा है, तो संजय यादव आपको पता नहीं क्यों प्रॉब्लम होती है, या भगवान आपके साथ ऐसा क्यों कर रहा है भगवान जाने। पहले बी क्वेश्चन को करिए आप, पहले बी को करिए, चलिए क्वेश्चन नंबर बी को पहले करते हैं, बी में पहले बी को करते हैं फिर ए को करेंगे। बी क्वेश्चन नंबर बी को, फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट हम कर रहे हैं, क्वेश्चन दिख गया तरुण कुमार, ठीक है तरुण कुमार आपका आंसर ठीक है, बिल्कुल तरुण कुमार का आंसर ठीक है,
देखिए आप एक बार, मैंने क्वेश्चन ले दे रखा बी को कर रहे हैं पहले 0.6471, इस 471 पे बार है, 6 पे बार नहीं है बच्चे। अभी आपको अगर स्क्रीन पे जो क्वेश्चन देख रहा है, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि ये बार यहां पे स्क्रीन पे ऐसा दिख रहा है, लेकिन पेपर के अंदर आपको पिक्चर क्लियर दिखाई देगी कि किस पे बार है किस पे नहीं है, वो थोड़ा सा स्पेस देके क्वेश्चन को डालेगा। मेरी बात समझ भाई? अरे हाँ या ना? ओ हाँ या ना। देखिए चलिए आप एक बात सुनो बच्चों, सबसे पहले मैंने क्या बताई थी कि जो वैल्यू दे रखी है आप पहले वैल्यू को कंप्लीट लिख दीजिए। तो आपने लिखा 6471, लिख दिया। फिर मैंने क्या बताया था कि जिस पर बार नहीं है, क्वेश्चन के नीचे चला गया होगा, नीचे लिख रहा हूं, पहले मैंने लिखा 6471। फिर मैंने क्या बताया था कि जिस पर बार नहीं है उसको आप घटा देंगे, उसको आप क्या कर देंगे, घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो किस पे बार नहीं था? 6 पे बार नहीं था, हमने 6 को घटा दिया, क्लियर। अपॉन में जितने पे बार है उतने 9, कितने पे बार है, कितनी संख्याओं पे, 3 पे बार है तो कितने 9, 3 9 लगाएंगे आप तो 3 times 9। जितने पे बार नहीं है उतनी पे 0, इस पे बार नहीं है तो उतना ही 0। तो आप 6471 में से अगर 6 जाएगा, अगर 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा, 64 और 65 अपॉन में 9990। बच्चे जो बच्चा एप्लीकेशन पे क्लास देख रहा है उस बच्चे को किसी और के कमेंट नजर नहीं आएंगे, उसको सिर्फ अपने अपने कमेंट नजर आएंगे, मेरे को सभी को आएंगे, लेकिन उसको सिर्फ उसके आएंगे। मेरी बात समझ पाए ओ बच्चों? हाँ या ना? ओ इस कॉन्सेप्ट से आप भी समझ गए होंगे। 6471 तीन वैल्यू पे बार है, पहले कंप्लीट वैल्यू लिखो, जिस पे बार नहीं उसको हमने घटा दिया, जितने पे बार है उतने 9, जिस पे बार नहीं है उतनी 0, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ओ बच्चों हाँ या ना? ओ समझ गए या नहीं? ओ रिचा, रिचा समझ आया नहीं आया बताइए अभी मुझे, फिर नेक्स्ट कराते हैं। कमेंट करें फटाफट अगर ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और राइट डाउन कर लिया हो तो अपन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे प्यारे बच्चों। 9990 आएगा। तरुण कुमार कैसे आएगा? अनुभव शर्मा हां जी बिल्कुल आ गया। तरुण अगर तीन वैल्यू पे बार है तो 3 ही 9 आएंगे, अगर एक वैल्यू पे बार होता है, क्लियर है जी। देखो अगर 5 पे बार लगा था तो हम 5/9 लिखेंगे, 6 पे बार है तो हम 6/9 लिखेंगे। मेरी बात समझ गए ना? तरुण क्या कह रहा है मेरा आंसर का? सर तरुण पूछिए आपका, आपका आंसर का क्या? 999 आएंगे, 99 नहीं आएंगे तरुण। और मैंने ट्रिपल ही लिख रखे हैं यार। तरुण कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं बच्चे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। एक भी बच्चा मेरा ऐसा, अच्छा पहले वाले में बात कर रहे हो, थैंक यू तरुण, शायद वो आप पहले क्वेश्चन पे बात कर रहा था, मैं इसकी कर रहा था। चलो हम क्वेश्चन का ए पार्ट और करते हैं प्यारे बच्चों। ए पार्ट बहुत अच्छे हैं, आप लोग कर पाएंगे। 5, 7, 8 इन दो वैल्यू पे बार है, सिर्फ दो वैल्यू पे बार है, 7 और 8 पे, 5 पे बार नहीं है। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, डेसिमल से पहले जो वाली वैल्यू है तो पूर्णांक में है, और ये तो इंटीजर नंबर है और ये तो इंटीजर है, इसको तो आप डायरेक्टली लिख दोगे। ओ प्यारे बच्चों इसको तो डायरेक्टली लिख दोगे 4+, ये क्या आएगा 0.578, 78 पे बार रहेगा, 78 पे बार रहेगा। मेरी बात समझ पाए? ओ हाँ या ना? तो इस 4 को तो छेड़खानी करनी ही नहीं है डेसिमल से पहले वाले की, आगे वाले पे मैंने आप लोगों को रूल बता रखा है कि आप कैसे फॉलो करेंगे। ओ प्यारे बच्चों 4+, पहले इसको कंप्लीट लिखोगे 5, 7, 8, जिस पे बार नहीं है 5 पे उसको घटा दोगे, जितने पे बार है उतने 9, जितने पे बार नहीं है उतनी 0। ओ हाँ या ना? ओ डायरेक्टली तो कर दोगे। ओ ये बात हमने पढ़ी 578 में से अगर 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 500, 573, 73 और 5 78 होते हैं, 4+ में 573 बटा। ओ बच्चों हाँ या ना यार? ओ आपको ये पता है ये कैसी फ्रैक्शन हो गई, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गई, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 सही 573/990। ओ कई बार आप लोगों ने मिश्रित भिन्न पढ़ी है, देखिए आप लोग बड़े अच्छे तरीके से क्वेश्चनों को कर पाएंगे, बहुत जबरदस्त तरीके से आप चीजों को कर। निशा खोला गुड मॉर्निंग, लेट हो डियर, आप लेट हैं आप लोग क्लास में, पेनल्टी लगेगी आप पे, वो बताया जाएगा समय आने पर। सब लोग गोगो, मैं फिर कह रहा हूं कि मैं कल की जो क्लास लूंगा वो स्टडी एक्सप्रेस एक्स पर ही लूंगा, स्टडी एक्सप्रेस एप्लीकेशन पर ही मैं क्लास लूंगा। जिसने डाउनलोड नहीं करा कि वो डाउनलोड कर ले, और वहां से आपको कोर्स परचेज करना पड़ेगा। आज मैं यहाँ क्लास दे रहा हूँ, कल वहीं क्लास दूंगा सिंप्लीफिकेशन की। और ये मैं कह रहा हूँ कि मैं अपना सिलेबस खत्म कर दूंगा उसमें टाइम से पहले ही, और सभी टीचर कर देंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चों। अब
वो पहले वाले क्वेश्चन में शायद किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं क्वेश्चन को। आज क्लास एप्लीकेशन और यूट्यूब पर दोनों पे चलाई गई है, सिर्फ उस दिन चलाया जाएगा जिस दिन टॉपिक की शुरुआत की जाएगी, लेकिन जिस दिन टॉपिक का एंड होगा उस दिन नहीं चलाया जाएगा। सिंप्लीफिकेशन के अंदर मैं 5 क्लास लूंगा, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन को ताश के पत्तों की तरह बघेर देंगे, चाहे उसमें क्वेश्चन कहां से भी कहीं से भी करें आप। मेरी बात, एबीसी आर द 3 सिंगल डिजिट नंबर सच दैट 0.ABC ABC ABC इक्वल टू 26/37। फाइंड द वैल्यू ऑफ A+B+C। कोई बच्चा करके बताएगा इसको। बाकी एक दो बड़े खिलाड़ी आज क्लास में मौजूद हैं, एक दो बड़े खिलाड़ी क्लास में मौजूद है, रनीस भी आज क्लास में मौजूद है, लेकिन नीतू यादव नहीं है शायद क्लास में। नीतू जाट तो वैसे आती है हमारे पास। और कोई बच्चा, निशा क्लास में, सविता भी क्लास में है, खुशबू हमारे साथ नहीं है आज, और लड़कों में विनीत नहीं है, संजय यादव ने आंसर को बखेर दिया है, सी बता दिया है, लेकिन पता नहीं इसने किस वे में आंसर को बखेरा है, ये तो यही जाने। रिचा, रिचा क्लास में मौजूद है तो कमेंट करें, रिचा रिचा बहन कमेंट करें अगर आप क्लास में हैं तो। ओ इन क्वेश्चनों की और डायरेक्ट ओ सखिल यादव, सखिल यादव वाई वाई ग्रुप से, वाई ग्रुप से। बच्चे मैं क्या कह रहा हूं कि जो क्वेश्चन है इनकी पीडीएफ आप लोगों को ना एप्लीकेशन पे मिलेगी, सभी को एप्लीकेशन पे मिल जाएगी ये सारी। पंकज यादव, अच्छा पंकज यादव के नाम से ही रिचा है, मैं भूल जाता हूं। सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया है, और कोई क्लास में नहीं है क्या? क्लास में तो सभी हैं, बाकी आंसर देने से हिचकिचाते हैं, तभी तो वो गलत हो जाएगा। इससे ज्यादा क्या होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। कराएं, चलिए बी, निशा खोला का आंसर बी है, चलिए निशा जी, जो कि आपका आंसर मेरे हिसाब से 100% गलत है। चलिए देखिए, ये कह रहा है कि 0.ABC ABC ABC ऐसे एज सोन चलता गया, और उसके बाद ये आया 26/37। ओ क्लियर, ऐसा ही तो रहा ना, वो ऐसा ही तो रहा, बाकी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। चलो मैं इधर लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, क्वेश्चन को नीचे कर लेते हैं, ऊपर सोल्व कर देंगे इतने में। चलिए अपने हाथ में ही है टेक्नो। कुलदीप सैनी आइए, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। देखिए ये जो दे रखा है आपको एबीसी एबीसी एबीसी, अब आपको ये मालूम है कि ऐसे इसने दे रखा है एबीसी। सिंप्लीफिकेशन को रफ करते हैं, हटाओ इसको भी, स्पेस रोक रखा है। देखिए इसने दे रखा है 0.ABC ABC ABC एज सोन, और इक्वल टू दे रखा है 26/37। अब प्यारे बच्चों आप एक बात बताइए, यहाँ जो रिपीटेशन है वो आपको क्या महसूस हो रहा है, जहाँ ये रिपीट है वहाँ क्या महसूस हो रहा है? क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, तो आप बोलोगे कि सर आप इसको लिख सकते हैं 0.ABC पे बार, देखो ये ABC 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 तो रिपीट तो ABC ABC ही हो रखा है। अरे हाँ या ना, ओ बच्चों हाँ या ना, वो एबीसी एबीसी तो रिपीट हो रखा है, तो इसका मतलब जो वैल्यू रिपीट होती है बार बार उस पर हम बार लगा देते हैं। एबीसी एबीसी तीन वर्ड रिपीट हो रहे हैं यार, एबीसी एबीसी एबीसी। मेरी बात समझ पाए?
ओ बच्चों हाँ या ना, इज इक्वल टू कितना आया 26 अपॉन में 37। और जब तीन वैल्यू पे बार हो, कोई ऐसी वैल्यू ना हो कि जिसपे बार नहीं दे रखा तो हमें घटाना पड़ता, लेकिन इस पे ऐसा नहीं दे रखा क्वेश्चन में, एग्जाम में अभी पूछा गया लेटेस्ट, एबीसी अपॉन में तीन संख्याओं पे बार है, 999 30 26 अपॉन 37। अगर हमें तो एबीसी की वैल्यू चाहिए, तो एबीसी की वैल्यू आ गई 26/37 इंटू में 999 इधर है तो इधर चले जाएंगे मल्टीप्लाई में, ये कटेगा किससे, 27 पे कटेगा, ये 27 पे कटेगा, 37 गुणा 27 999 होता है, ये एक अच्छा फैक्टर है, आप इसे याद भी रखोगे, 37 गुणा 27 999 होता है। ओ हाँ या ना, होता है ऐसा। अब आप देखिए 26 और 27 की गुणा, 26 676 के अंदर हम 27 और करेंगे तो कितना हमारे पास आएगा, 702 आएगा मेरे हिसाब से, है ना, इनके गुणा करेंगे 6 7 42, बिल्कुल 702 आएगा। तो ABC इज इक्वल टू आया 702। हम यहाँ क्या लगाएंगे, आप लोगों को बहुत बार सिमेट्री सिटी सिखाई है कि ABC इज इक्वल टू 702 आ गया, A की वैल्यू आ गई 7, B की वैल्यू आ गई 0, C की वैल्यू आ गई 2, एग्जामिनर ने पूछा A प्लस B प्लस C, 7 प्लस 0 प्लस 2, तो प्यारे बच्चों 7 और 2 कितना हो गया, 9, आंसर आ रहा होगा इस क्वेश्चन का 9। और रिचा रानी समझ आया नहीं आया, ऐसा कोई भी एक बच्चा नहीं, कुलदीप सैनी यूट्यूब पर डेली क्लास नहीं लगेगी, सिर्फ आज लगेगी, और कल से जो सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट कराऊंगा वो मैं सिर्फ एप्लीकेशन पे कराऊंगा, यहां पे नहीं कराऊंगा। ओ मेरी बात समझ पाए, आप लोग समझ पाए, आपको बेहतरीन क्वेश्चन कराए जाएंगे, बेहतरीन कंटेंट दिया जाएगा। अगर आप मेरी बात को समझ पाए हैं तो दोस्तों यस लिखें, वरना नो लिखें, कॉमेंट करें फटाफट। अगर आप मेरी बात को समझ पाए हैं तो यस लिखें, वरना नो लिखें। सखिल समझ गया, बहुत जबरदस्त, कुलदीप सैनी डन, लिखिए फटाफट फटाफट, कमेंट लिखिए जबरदस्त तरीके से, एक साथ आए लगातार। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर आ चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है माय डियर। मैं यार चेहरा नजर नहीं आएगा आपको, तो क्वेश्चन को नीचे ही लगाना पड़ेगा, ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन छोटे होते हैं, इस वजह से इनको सेट करना यार आसान नहीं है, इतना स्पेस ज्यादा लेते हैं, क्वेश्चन छोटे होते हैं। चलो इनका यहीं पे सॉल्यूशन करेंगे, और तो क्या करें। करिए प्यारे बच्चों, ये 2 क्वेश्चन है, वैसे 2 का एक बना रखा है मैंने इसको, 2 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वैसे ये मैंने दोनों का एक बना दिया, एग्जाम में आए हुए हैं ये प्यारे बच्चों। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहे हैं क्लास में तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, लाइक करें या ना करें शेयर जरूर करें, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग कर पाएंगे, करिए करिए माय डियर करिए। जो बच्चा एप्लीकेशन पे कमेंट कर रहा है वो ये सोच रहा होगा किसी और के कमेंट नहीं दिख रहे मुझे, प्यारे बच्चों वो सिर्फ आपको ही नजर आएंगे, एप्लीकेशन में ये सुविधा कर रखी हमने कि आपके कमेंट सिर्फ आप देख सकते हो। कुलदीप सैनी वहां हमने 1499 फीस कर रखी है कंप्लीट कोर्स की, वहां आप जाइए और वहां सारी चीजें, वहां प्रोमो कोड मांगता है तो उसको नो करना है आपको, ये ध्यान करिए। चलिए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं, आप देखिए
क्वेश्चन नंबर जो ये थर्ड दिया हुआ है इस पर डिस्कस करते हैं। ये दे रखा है 0.11 पे बार, चलो यहाँ ऊपर कर देते हैं, यहाँ स्पेस है हमारे पास। तो आप एक बात बताइए यार, 11 पे बार है तो इसको करेंगे ना 11/99 प्लस 22 पे बार है तो इसको 22/99, जितने पे बार उतने 9 रहेंगे, इंटू में स्टार का मतलब ये मल्टीप्लाई है 3, अपोन में प्यारे बच्चों क्या दे रखा है अंडर रूट, घनमूल है ये क्यूब, ओ क्यूब और रूट और स्क्वायर रूट भी मैंने पढ़ाए हैं, मेरी बात समझ गए। ये है 0.037 पे बार, क्लियर, ये पूरे पे बार है, 0 पे भी 37 पे भी। ओ बच्चों यस या नो, मेरी बात समझ पाए। अब आप एक बात सुनिए, ऊपर वाले का एलसीएम कितना आ गया 99, और 99 आएगा, 22 और 11 जुड़ेंगे क्योंकि 99 को डिवाइड करेंगे 1 पे जाएगा तो ये आएगा 33, क्लियर, इनटू में प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 3, अपोन में प्यारे बच्चों ये कितना आ जाएगा 037 है, तो कंप्लीट इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 37, 0 लिखें या लिखें, बार है इस पे तो 999, और ये घनमूल का मतलब रूट के अंदर यहाँ 3 आ रहा है तो पावर 1/3 होगी। ओ ये बात पढ़ा रखी है आप लोगों से, ओ ढकनों ये बात को मैंने अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है। चलिए अब आप देखिए, इसको काटेंगे तो 3 से कितने पे जाएगा 33 पे, 33 से 33 काटेंगे 1, ऊपर तो आ गया 1, अभी थोड़ी देर पहले बताया था आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, 37 को अगर 999 से काटोगे तो कितने पे कटेगा 27 पे, अभी थोड़ी देर पहले बताया था 37 × 27 याद रखोगे 999 आएगा, एग्जाम में बहुत काम आएगा। तो ये आया 1/27 की पावर 1/3, अब ये 1/3 पावर, लॉ ऑफ इंडाइसिस, घातांक का नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ पावर, घातांक का वितरण, पीछे वाली वीडियो में पढ़ाया था, पीछे वाली वीडियो में पढ़ाया था कि ये पावर ऊपर वाले की भी होगी नीचे वाले की भी होगी, तो 1 की पावर 1/3 तो 1 ही रहेगा, 27 की पावर 1/3 हमें करना है, 1/27 की पावर 3 की पावर 3 और ये रहेगा 1/3, वो 1/3 ऊपर वाले का तो सेम ही रहेगा, नीचे वाले की वैल्यू अगर हम निकालेंगे 1/3 और इस पे 1/3 अगर हम करेंगे तो मल्टीप्लाई होगी, ये पावर अंदर जाके पावर मल्टीप्लाई होती है, 3 से 3 कट जाएगा, 1/3 पलट के ऊपर चला जाएगा तो अपना आंसर आ जाएगा 3। अगर प्यारे बच्चों कहीं ऑप्शन में 3 नजर आ रहा होगा आपको, वही आप लोगों का आंसर होगा। अरे हाँ या ना, ओ आप इन क्वेश्चन को यार अच्छे तरीके से कर पाएंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं और मैं आशा भी करता हूं। अब बोलेंगे सर उम्मीद और आशा तो एक ही होती है, यदि ये बात आप लोगों के समझ में आ गई सभी के में तो आप सभी एक बार कमेंट करके बताएं मुझे प्यारे बच्चों, अगर ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप लोग प्लीज़ सभी एक बार मेरे को बताएं। बच्चे बहुत कम है क्लास में, बहुत कम क्लास में है बच्चे, तो आज कम से कम 30+ होने चाहिए थे, बाकी कुछ बच्चों को पता ही नहीं होगा। क्लियर, चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को करके दिखाइए अब आप। और जिस बच्चे से ऐप डाउनलोड ना हो वो उसके अंदर यूट्यूब पे जाके लोड शिवा अकेडमी के चैनल पर बोल लेना हाउ टू यूज स्टडी एस्पेक्ट्स, उसके अंदर भी मैंने वीडियो बना के डाल रखी है तो आप हर चीज को देख सकते हैं वहां से। What is the value of 8.74 plus 6.47? इस पे मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ किस किस पे बार है किस पे बार नहीं है, 4 पे और 7 पे बार है, बाकी किसी पे भी बार नहीं है, मेरी बात समझ गए, यहाँ सिर्फ 4 पे बार है और 7 पे बार है ना, 4 पे पहले 8.74 में 4 पे बार है, 6.47 में 7 पे बार है, मेरी बात समझ गए, ओ हाँ ना समझ गए होंगे वैसे। मैं भी एक बार क्वेश्चन को लिख देता हूँ फिर इसको रफ कर देंगे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ शायद आपको नहीं दिखे, बाकी दिख जाएगा क्वेश्चन हटने के बाद, ये है। चलिए क्वेश्चन को अब हटा दिया जाएगा, अब आप करके दिखाइए प्यारे बच्चों। तिरछा कैसे नजर आ रहा है 8.74 6.47।
आंसर बता सकते हैं आप? आंसर भी बता सकते हैं आप? एप्लीकेशन पे ठीक चल रहा है, मैंने फ़ोन पे देख लिया है, ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही एप्लीकेशन पे। आप क्वालिटी को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, सारे आप लोगों के पास ऑप्शन है, आप चाहें जिस तरीके से देखें। चाहे जिस तरीके से देख सकते हैं प्यारे बच्चों। संजय यादव आप हो तो सही एप्लीकेशन पे, लिख रखा आपने गुड मॉर्निंग सर। 9 बजे से 2 बजे तक क्लास रहेगी एप्लीकेशन पे, सभी क्लासेस लगेगी प्यारे बच्चों। रीजनिंग के क्लासेस भी स्टार्ट हो गई है, उस पर आप देख सकते हैं, वहां आज लेक्चर डाल दिए जाएंगे। चलिए देखिए 8.74 पे बार प्लस में 6.47 पे बार, आप लोगों का आंसर क्या आया होगा? सुनील जे स्टार 0.75 कुमार जबरदस्त, इसने पता नहीं नाम के आगे क्या क्या लगा रखा है। देख लीजिए आप, जैसे सबसे पहले भाई डेसिमल से पहले अगर कोई वैल्यू है उसको तो ऐसे लिख दो 8 प्लस में 0.74 पे बार, हमें तो 0 पॉइंट के बाद बात करनी है, इसको लिख देंगे 6.47 पे बार, तो इसको भी कर देते प्लस 0.47। प्यारे बच्चों हाँ या ना? 8 और 6 को तो जोड़ लो, कितने हो गए 14, ये तो इंटीजर नंबर में। 74 को क्या लिखोगे? 74 - 7/90, इसको क्या लिखोगे प्लस में? इसको क्या लिखोगे? 47 - 4/90। मेरी बात समझ गए? 8 और 6 कितना हो गया 14, 74 - 7/90, ये कितना हो गया? ये 47 पे बार, तो ये 47 - 4/90। मेरी बात समझ गए ना यार? ओ दोस्तों हाँ या ना? तो ये तो आ गया 14 प्लस 74 में से 47 जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा? 67 बचेगा। ओ हाँ या ना? 67/90, ये प्लस में 43/90, क्लियर? तो ये तो आ गया 14 प्लस में, इनका एलसीएम आएगा 19, तो ये कितना हो गया? 7 और 3 = 10, 6 और 4 = 10 और 1 = 11, 0 से 0 कट गया। अब अपना अपना रियल में मान कितना आएगा? ये भिन आई, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे तो 14 प्लस में ये 2 सही 2/9 लिखा जाएगा, है ना भाई? 1 बचेगा 2/9। अरे ऐसे भिन में तो लिख ही सकते हो यार, मिश्रित भिन में कोई बड़ी बात थोड़ी है, वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में, किसी फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो लिख ही सकते हो। रिचा क्या कह रहे हो? जीरो क्यों आएगा? कौन से वाला जीरो? जीरो बच्चे एक बात बताओ, 0.74 पे बार, और अगर इसमें 8 जोड़ दूं, 8.00, 8 के बाद जीरो, तो इसको प्यारे बच्चे 8.74 पे बार ये नहीं लिख सकते। तो मैंने 8 को अलग कर लिया और इसको यहाँ पे 0.74, इनको आप ऐड करोगे तो 8.74 ही तो आएगा। रिचा मेरी बात समझ पाए गुड़िया? और इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, मैंने इनको इसलिए लिख दिया कि ये 6 और 8 ना इंटीजर नंबर थे, पूर्णांक थे, तो मैंने इनको ऐड करने के लिए लिख दिया, और ये 0.7 पे बार ये पीछे मैं आपको सिखाता आ रहा था, तो मैंने उसी फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर दिया, तब मैंने लिख दिया। बाकी कोई बात नहीं, उस कॉन्सेप्ट को आप समझ भी पाए होंगे और अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। देखिए माई डियर, 8 और 16 = 14, ये जिस पे बार नहीं था उतने नो, जितने पे बार नहीं है उतनी जीरो, ये तो कॉन्सेप्ट आप जानते हो बहुत अच्छे तरीके से। 4 पे बार था, जितने पे बार उतनी नो, जितने पे बार नहीं उतनी जीरो, जिस पे बार नहीं है वो घटता है, ये पीछे हम पढ़ चुके हैं। 67 = 43 को जोड़ेंगे 110, 0 से 0, 9 = 9, 2 = 2। आपको पता है मिश्रित भिन्न में यहाँ चिन्ह मल्टीप्लाई का नहीं होता है, हमेशा प्लस का चिन्ह होता है या मल्टीप्लाई नहीं होता है, ये ध्यान रखना। तो ये 14 + 1 + 2/9, 14 + 1 कितना हो गया 15 + 2/9, तो आप इसको लिख सकते हैं 15 सही 2/9, ये आप लोगों का आंसर होगा प्यारे बच्चों। बच्चे ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप लोगों से भी पूछा गया है, तो आप लोग कर पाएंगे एक बेहतरीन तरीके से, आप कॉन्सेप्ट को कर पाएंगे प्यारे बच्चे। 90 कहां से आया? कुलदीप सैनी, इस पे एक अंक पे बार था उतने नो, जितने पे बार नहीं होता है उतनी जीरो। कुलदीप सैनी आप क्लास में लेट आए थे, इससे पहले मैंने इन बच्चों को कॉन्सेप्ट समझा दिया था आज, और इसलिए ये पूछ नहीं रहे ऐसा। रिचा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अरे हाँ या ना? इस क्वेश्चन का आपको एक बार दिखा देता हूं, ऑप्शन ए आएगा, ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें डियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, जो क्वेश्चन नंबर 5 को कर देगा, 3 के बाद भाई साहब ने 5 दे दिया, देख लें 4 भी कहीं बीच में छुप रहा हूँ,
चलो नहीं है, क्योंकि एक साथ उसने दो क्वेश्चन डाल दिए थे तो इस वजह से उसने लिख दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप लोग इसको करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट आप लोगों के लिए। पहले क्वेश्चन नंबर हम 6 को करेंगे, वो अपने लिए ज़्यादा आसान है, फिर हम आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे प्यारे बच्चों। ये कॉन्सेप्ट एक बार आपको सिखाता हूँ, ये कॉन्सेप्ट एक बार आप लोगों को सिखाता हूँ कि बार का अगर बार में ही उत्तर देना पड़े, मेरी बात समझ गए, अगर प्यारे बच्चों बार का बार में ही उत्तर देना पड़े तो हम कैसे उत्तर देंगे। कई बार वैल्यू को, बार की वैल्यू का बार में ही हमें उत्तर देना होगा तो हम कैसे आंसर दें। तो फिफ्थ क्वेश्चन को कर लेते हैं, चाहे 6 को कर लो, वो आप लोगों की मर्जी है। तो चलिए प्यारे बच्चों एक बार मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, एक बार इस कॉन्सेप्ट को जिस बच्चे ने समझ लिया वो बार के क्वेश्चनों को ताश के पत्तों की तरह बखेर देगा। किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन को आप कोई भी एग्जाम लगाइए एसएससी का, कोई भी, चाहे आप बैंकिंग का लगाइए, एसएससी का लगाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये गारंटी है मेरी, ये वादा है मेरा आपसे। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, मैं एक बार बोर्ड पर क्वेश्चन लिख के इनको हटाऊंगा क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट को समझाना चाहूंगा। 8.46 पे बार है, यहाँ पे 46 पे बार है, ये प्लस में 5.927, ये कंप्लीट 927 पे बार है। बस इस बार को एक बार आपको ध्यान से समझना है, 5 पे बार नहीं है और 46 पे बार है और 927 पे बार है, और पॉइंट 5 पॉइंट तो है ही, 927 पे बार है। चलिए ठीक है, तो बच्चों अब आपको करना क्या है, एक बार मैं क्वेश्चन को हटा रहा हूँ स्क्रीन से प्यारे बच्चों, मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन लिख दिया है आप लोगों को। अब इसका आंसर ना आपको उसमें फ्रैक्शन में नहीं देना है, इसका कई बार एग्जामिनर क्या देगा कि बार वाले क्वेश्चनों का आंसर बार के रूप में ही पूछ लेगा। तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो हमें एक टेबल बनानी होगी इस तरीके से, मेरी बात समझ गए, ये इधर जो रहेंगे ये बार वाला कॉलम है, ये बगैर बार वाला कॉलम है, मेरी बात समझ गए। बगैर बार वाले देखो ये 8 और 5, इसको तो पहले यहां लिख दो 8 और 5, क्लियर। इधर आएंगे सारे बार वाले, कैसे आएंगे बार वाले, डेसिमल यहां भी लगा हुआ है, यहां भी लगा हुआ है, हमने लगाया, ओ हमने डेसिमल लगाया, ओ प्यारे बच्चों हाँ या ना। अब आप देखो किन संख्याओं पे बार नहीं है, तो इस एक संख्या पे बार नहीं है, सिर्फ एक पे, इस पे आपको इन दोनों वैल्यू में मैक्सिमम नंबर डेसिमल के बाद कितनी संख्या नजर आई जिस पे बार नहीं है, तो आप बोलोगे सर सिर्फ ऐसी संख्या एक है, तो एक है, तो ये ऐसी संख्या क्या है 1, 5, तो इस संख्या का भी और इसका भी एक ही नंबर लोगे, यहाँ पे इस संख्या का पहला नंबर 9 और यहाँ पे इस संख्या का पहला नंबर 5, इस बात को समझना है प्यारे बच्चों। यहां लिखना है बार वाली, बार देखो इस वाली वैल्यू में बार कितनी संख्या पे है 2 पे, इस वाली संख्या पे बार कितनी पे है 3 पे। यहां बच्चों इसका कॉन्सेप्ट अगर मैं समझाने लगूंगा ना तो कम से कम 4 पेज भर जाएंगे, लेकिन आपको डायरेक्ट माइंड में रखना है क्योंकि कॉम्पिटिशन क्रैक करना है, तो 30 सेकंड में क्वेश्चन को बखेरना है हमें, ठीक है। पहले देखना है कि डेसिमल से पहले वर्ड कितने हैं, वो सारे लिख देने हैं। कितने पे बार नहीं है, एक संख्या पे बार नहीं था, तो पहले वाली वैल्यू में एक संख्या पे नहीं था तो दूसरी वैल्यू का भी एक ही लेना है, मेरी बात समझ गए। लेकिन इन दोनों में अगर मैक्सिमम दो बार हो जाता, यहां मान लो दो संख्याओं पर बार नहीं होता, तो दो दो नंबर लिखने होते हैं हमें, मेरी बात समझ पाए। अरे बच्चे हाँ या ना, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन से और भी अच्छा क्लियर हो जाएगा। अब आप सुनिए आगे, अब हमने यहाँ लिखना है बार, इस वाली संख्या में 2 पे बार है और इस वाली संख्या में 3 पे बार है, आपको इस 2 का और 3 का एलसीएम लेना है, वो कितना आया 6। तो जो अपना आंसर आ रहा होगा ना उसमें, जो अपना आंसर आ रहा होगा ना उसमें 6 संख्याओं पे बार होगा, कितनी संख्याओं पे बार होगा प्यारे बच्चों 6 संख्याओं पे। तो आपको क्या करना है, 6 संख्याएं बनानी है, तो आप यहाँ 0.5 तो लिखिए, 46 पे बार है, इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है 46 46 46, क्लियर। वहां 927 9 लिख दिया तो पहले तो 27 आएगा क्योंकि 927 ही रिपीट हो रहा है, अगर बार का मतलब वही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, फिर 927 फिर 9, ठीक है 3 और 3 6 हो गए। अपनी मर्जी से 2-1 वर्ड इधर लिखने, वो क्यों, क्योंकि कभी कैरी लेके इसमें जुड़ ना रहा हो वो देखने के लिए, तो इधर लिख लो 46 और यहाँ हमने क्या लिखा था 46 3 नंबर ले लो क्योंकि 3 मैक्सिमम पे बार है, 9 आगे यहाँ तक देखो 927 9, फिर यहाँ आएगा 279। अब इनको जोड़ो 9 और 4 13, 7 और 6 13 और 1 14, 4 और 2 6 और 1 7, 9 और 6 15, इनका तो कोई रोल ही नहीं है, हमने इनको वैसे लिया था कि कभी यहाँ वैल्यू बड़ी ना आ जाए और कैरी आ जाएगा तो इधर एक नंबर बढ़ जाता, वो एग्जैक्ट आंसर लेने के लिए हमें ऐसा, ये 9 और 6 15, 7 और 4 11 और 1 12, 6 और 2 8 और 1 9, क्लियर, 9 और 4 13 1, 7 और 6 13 और 1 14, 4 और 2 6 और 1 7, 9 और 5 14, 8 और 5 13 और 1 14,
अब अपने पास बड़े अच्छे तरीके से क्वेश्चन ताश के पत्तों की तरह बिखर गया है प्यारे बच्चों। 14.4743925 आप अगर एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम 14.4 इधर तो बार नहीं है वो लेने हैं, ये वैल्यू सारी जिन पे बार आएगी कौन सी 7.3925 इस पे बार, ये इससे बेहतरीन कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता इस क्वेश्चन का, इससे बेहतरीन कोई क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं हो सकता प्यारे बच्चों। बच्चे देखो पहले डेसिमल वाले हमने लिखे, अब ये देखा कि डेसिमल के बाद कितने अंकों पे बार नहीं है, तो सिर्फ एक संख्या थी, अगर मैक्सिमम दो संख्याओं पे बार नहीं होता तो हम यहां दो दो नंबर लेते, अब एक पे है तो इस संख्या का भी एक अंक और इसका भी एक अंक, फिर लिखने हमने बार के, यहां दो संख्या पे बार था, यहां तीन पे, दो कर तीन का एलसीएम कितना आया 6, अब हमें जो आंसर आ रहा होगा ना उसमें डेफिनेटली 6 संख्याओं पे बार आएगा, ध्यान रखना है। तो 6 के लिए हमें यहाँ 4-6 पे बार है, तो 4-6 रिपीट होगा, उस वाली वैल्यू में रिपीट होगा 927, लेकिन 927 का 9 लिख चुके हम यहाँ, तो फिर यहाँ तो 27 ही बचेगा, फिर 927, फिर 9, फिर यहाँ 27, मैंने यहाँ पीछे तीन तीन अंक बढ़ा लिए, क्यों बढ़ाए, मैंने सोचा कि कभी कोई कैरी बच के यहाँ मान लो 7 और 2 9 और 1 10 हो जाता, 0 हो जाता तो एक हासिल इधर जुड़ता तो उत्तर में फर्क आ जाता, इस वजह से मैंने ये पीछे इनको लिखा, मेरी बात समझे, फिर मैंने इनको जोड़ा 9 और 6 15, 7 और 4 11 और 1 12, 6 और 2 8 और 1 9, 9 और 4 13, 7 और 6 13 और 1 14, 4 और 2 6 और 1 7, 9 और 5 14, 8 और 5 13 और 1 14, तो 14.4 इधर तो ये बगैर बार वाले, इधर वाली वैल्यू बार की थी, तो 14.4 74 39 25 पे क्या लगेगा बार, ये आपको ऑप्शन में मिलेगा, मेरी बात समझ गए, इससे डिफिकल्ट आपके एग्जाम में नहीं आ सकता, इसके हम 3-4 एग्जाम्पल और भी करेंगे, लेकिन वो सारे एग्जाम्पल हम अब कल एप्लीकेशन पे कर रहे होंगे प्यारे बच्चों। आज आप लोगों को बार के बारे में बेसिक्स मैंने खत्म कर दिए हैं, इसके ऊपर जो कोई क्वेश्चन आएंगे उस पर 1-2 क्लास में और लूंगा, उसके बाद बार का टॉपिक खत्म हो जाएगा और सिंप्लीफिकेशन को आगे हम जोड़ में घटा में गुणा में उसमें मतलब जितने भी लैडर फ्रैक्शन भी जो आता है ना वो पीछे से नीचे से जुड़ता जाता है उनकी भी हम 100 ट्रिक वहां पे पढ़ रहे होंगे। चलिए तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, और किसी की कोई क्यूरी है तो प्यारे बच्चों अभी मेरे को कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और 10 बजे YouTube पे क्लास होगी मेरे गुरुजी की राजेश पांडे सर की, लेकिन अभी वो पेन टैब से पढ़ा रहे हैं, अभी आप पढ़िए, कुछ दिन के बाद बहुत जल्दी वो भी आपको ब्लैक बोर्ड पे नजर आएंगे, ठीक है। अरे हाँ ना, किसी बच्चे की कोई क्यूरी है तो पूछ ले मेरे से बच्चों। कोई भी मेरे स्टूडेंट की कोई क्यूरी है मेरे से पूछना चाह रहा है तो वो पूछ सकते हैं। कुलदीप सैनी बताइए आपकी क्या क्यूरी है प्यारे बच्चों। चलिए किसी की कोई क्यूरी नहीं है, अच्छा दोबारा देख लो, 8.5465.925, 8 तो पहले लिखना है, पॉइंट भी पहले, पॉइंट वाले तो हमने लिख लिए, पॉइंट के बाद कितने मैक्सिमम कितने नंबरों पे, तो यहाँ मैक्सिमम एक नंबर पे बार नहीं था तो हमने एक नंबर इसका और इसका भी एक नंबर लेना पड़ेगा, और उसके बाद जितने पे बार है उन दोनों का एलसीएम लिया, वो संख्या यहाँ पे ले ली, बची हुई मैंने कहा 2-3 पॉइंट आगे ले लेना, इनका कोई रोल नहीं रहेगा ना ये उत्तर में लेने आपको, वो मैं सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ कि कहीं कोई वैल्यू बड़ी आके यहाँ कैरी दे देगा 9 और 6 15, अगर यहाँ 10 बन जाता तो 1 0 1 इधर बढ़ाना पड़ता तो 6 आता अपना आंसर, मेरी बात समझ गए, तो इस वजह से मैंने इसको ऐसा नहीं किया, तो बस प्यारे बच्चों इसको जोड़ देना है 14.5, इन पे सब पे बार लगेगा, बार लगा के अपना आंसर। चलिए थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे, आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, अगर कहीं और भी तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी आप अच्छे से करते रहिए, अगली क्लास यूट्यूब पे ही रेशियो की होगी, और जो कि जिन गुरु से मैं पढ़ाऊँ उनकी क्लास होगी, सबसे बड़ी बात है आप लोगों के लिए कि वो अब हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो आप उनकी भी क्लास ले सकते हैं नेक्स्ट क्लास, क्लियर। 10 से 11 सर का टाइम है और 11 से 12 फिर मेहता सर का टाइम है, 12 से 1 कंप्यूटर की क्लास होगी और 1 से 2 साइंस की क्लास होगी। थैंक यू माय डियर, थैंक यू।